तो एक ऑटो अपडेटेड और ऑटो सर्चेबल ड्रॉपडाउन लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं? जैसे यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट की हुई हैं। इन ड्रॉपडाउन लिस्ट के अंदर आइटम, रीजन और सेल्समैन, इन तीनों ही ड्रॉपडाउन लिस्ट के अंदर जो हमारा डेटा है वो इस वाली शीट पर है। अब ड्रॉपडाउन लिस्ट के अंदर जो हमारे पर्टिकुलर्स डेटा शो होंगे वो कितने ही बड़े हो सकते हैं। हमारे डेटा के अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज हमारी 500 हो, 1000 हो या 1000 से ज़्यादा हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पर मेरे पास आइटम्स के अंदर 17 एंट्रीज हैं, रीजन के अंदर 33 एंट्रीज हैं और जो हमारे सेल्समैन हैं उनकी नंबर ऑफ एंट्रीज 4 हैं। अब पहले इस वाली शीट के ऊपर आ जाते हैं। पहले हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे ये वर्क करेगी। हम आइटम के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हम सर्च करते हैं मॉनिटर, तो मैं इनिशियल लिखता हूँ MO। यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस भी एंट्री के अंदर MO आया है वो यहाँ पर हाईलाइट होने लगे हैं। हमको लेना है मॉनिटर, तो हम मॉनिटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हम यहीं पर वापस से ट्राई करते हैं। अब हमको आइटम सेलेक्ट करनी है ग्राफिक कार्ड। हम कार्ड देख के सर्च करते हैं। कार्ड हमारा सेकंड वर्ड है, तो हम चेक करके देखते हैं कि हमको रिजल्ट शो करता है या नहीं। कार्ड हम टाइप कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने रिजल्ट शो कर दिया है। यहाँ पर हम चाहे फर्स्ट वर्ड या सेकंड वर्ड कुछ भी टाइप करें, यहाँ पर ये उसके रिजल्ट हमको शो कर देगा। ऐसे ही रीजन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमको लेना है सरिता विहार, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही सेल्समैन के अंदर हम सेल्समैन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे कोई न्यू आइटम हमारी ऐड हो रही है तो उसको हम यहाँ पर कैसे लेकर के आएंगे? जैसे इस ड्रॉपडाउन के अंदर हमारी लास्ट आइटम है पैड, हम एक न्यू आइटम ऐड करना चाहते हैं। जहाँ पर हमारा डेटा होगा हम वहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर लास्ट आइटम है वो है पैड। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास न्यू आइटम आई कैमरा, तो हम पैड के नीचे लिख देंगे कैमरा। लिस्ट हमारी कंटिन्यू है। वापस ड्रॉपडाउन लिस्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हम सर्च करते हैं कैमरा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिस्ट के अंदर हमारा कैमरा अपडेट हो चुका है। तो बात करते हैं कि इस ड्रॉपडाउन लिस्ट को हमने कैसे बनाया है। तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। जहाँ पर भी हमारा डेटा है यहाँ पर हमारे जो भी हेड हैं, यहाँ पर मेरे पास 3 हेड हैं, कंप्यूटर पार्ट्स, रीजन और सेल्समैन। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों का ही ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट करके दिखाई है। इसके लिए सबसे पहले मैंने तीनों ही हेड को टेबल के अंदर कन्वर्ट किया। पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, जितने सेल्स के अंदर हमारा डेटा नहीं है उनको डीसेलेक्ट किया। इंसर्ट के अंदर हमारा ऑप्शन है टेबल। माय टेबल हैज़ हेडर्स, क्योंकि हमारे डेटा के अंदर हेडर है तो इसलिए हम इस ऑप्शन के ऊपर टिक करके रखेंगे। अगर हेडर नहीं होता तो इसको अनटिक कर देते। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारा टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद हम टेबल डिज़ाइन के ऊपर आएंगे और यहाँ से हम टेबल का डिज़ाइन क्लियर कर देंगे। अब इसके बाद सेकंड और फाइनल स्टेप है हमारा, हम एक ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम डेटा टाइप के ऊपर आएंगे, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी हमने टेबल क्रिएट करी है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, ड्रॉपडाउन लिस्ट हमारी क्रिएट हो जाएगी। आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो ऑप्शन है ये हमको ऑफिस 365 के अंदर ही मिलेगा। आप इसको वहाँ पर ट्राई करें, इसको यूज़ करके देखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस ड्रॉपडाउन का यूज़ हम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बाकी इस ट्यूटोरियल वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।